वो सक्सेस का मतलब ही है कि वो इश्क इश्क आशिकियां नहीं खत्म हो रही हमारे बच्चों की, फिर वो इश्क आशिकियों से बाहर निकलता है तो वो फिर टोपी ड्रामे चीज शुरू हो जाते हैं दूसरे वाले भरमबाजियां जो हमारे अंदर हैं कि जी मेरे पास ये है, मेरे पास ये फलां ब्रांड, मैंने ये पहना हुआ है, मैं ये है, तू चीज क्या है, मैं किसी माँ ने मेरे अलावा कोई और बच्चा ही नहीं जमे। इससे निकलने के बाद जाके फिर कहीं सोचते हैं हम लोग चल यार अब कॉपी कूपी करके यार पास हो, डिग्री शिग्री उठाए और काम धंधे पे लगे। इस सोच के साथ जब आप आएंगे तो आप उसके बाद भी अगर आप में इनलाइटनमेंट और रोशनी आती भी है तो भाईजान कम से कम अल्लाह की दुनिया में तो ना इंसाफी नहीं है ना, जो कौम और जो बच्चे और जो ममालिक और जो मजहब और दीन के लोग सारी बेसिस पूरी करते हुए आ रहे हैं उसके बाद आप सिर्फ इसलिए कहें कि यार आप मुसलमान हैं आपने सारे प्रीरिक्विजिट्स उठा के फेंके हैं तो अल्लाह आपको दे देगा, जरा इस एक सवाल मेरा ये है, ये तो ना इंसाफी होगी कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक के खिलाफ।